वृक्षारोपण धर्म महान, एक वृक्ष दस पुत्र समान। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, अब नहीं तो कब करेंगे, क्या ऑक्सीजन लेकर साथ चलेंगे। वृक्ष धरा के भूचर हैं, ये करते दूर प्रदूषण। आज किसी भी म्यूनसिपाल्टी में 50% ज़्यादा पौधे नहीं होंगे। हाईवे पर आप 10% से ज़्यादा नहीं पाएंगे। हर कोई रोड से जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई जॉब जाता है, कोई काम पे जाता है, लेकिन उसी रोड पे हजारों सैकड़ों पेड़ लगते हैं, सूख जाते हैं, पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो आज जंगल कट रहे हैं, खेत बन रहे हैं, खेत जो है खेतों में मकान बन रहे हैं, बाग बगीचे जो कट रहे हैं, मकान बन रहे हैं, खेत खलिहान बन रहे हैं, लेकिन आज कितने हाईवे हैं। अगर देखा जाए आज़ादी के बाद से कम से कम 4-6 गुना तो हाईवे रोड बहुत सारे बने हुए हैं। तो वहाँ पे हम आप प्लांटेशन कर सकते हैं, और वहाँ पे हम उसी रास्ते से हमारा रोज़ का आना जाना होता है। हर कोई आज की इस भागदौड़ जिंदगी 500 मिनट से कम काम नहीं करना पड़ता, उससे ज़्यादा ही। लोग ओवर टाइम 12 घंटे, हम लोग 10 घंटे 12 घंटे ऑटो चलाते हैं। उसका मात्र 1%, अगर 500 मिनट काम कर रहे हैं, 1% मतलब होता है 5 मिनट। अगर 5 मिनट को लेकर इतनी सोच अगर हम रखें कि हम किसी 2-4 पौधे को हम केयर करेंगे, पानी डालने में 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं जाएगा, तो शायद हम अपने 50 मिनट का जो मेहनत करके जो पैसा अपने हेल्थ के लिए या पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, वो हमारे 50 मिनट के टाइम हम बचा सकते हो 5 मिनट के काम में। अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो कल्चर है, हमारे जो पहले संत महात्मा पुरुष वगैरह जो होते थे, वृक्षों के नीचे ही तमाम सारे ज्ञान प्राप्त किए और लंबी आयु तक जीते थे। जिनकी ऑक्सीजन हम जिंदा हैं, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा तो निश्चित रूप से हम तो कहते हैं, अगर डबल जस्ट हो जाए जितने भी हैं, कोई रोड जगह ना खाली हो, तो हम लोग की आयु 10-20 साल तो औसत आयु बढ़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। जनवरी 2016 से मैंने उपोन साइड में पेड़ों को पानी डालने से स्टार्टिंग किया था, और हमें लगा कि कुछ हम लोग कर सकते हैं, पेड़ों को पानी डाल सकते हैं, पौधे बचा सकते हैं। इसकी शुरुआत हमने खुद उस टाइम में एक स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा था, तो उसके तहत ऐसा लगा कि स्वच्छ भारत साथ साथ हरा भरा भारत का भी अभियान होना चाहिए। तो हमने उस टाइम में एक डस्टबिन खरीदा था, छोटा सा 124 रुपये का, और हमने सोचा कि अपने ऑटो में एक डस्टबिन, एक साइड में पैसेंजर सीट पीछे लगेज के स्पेस पे एक साइड में हम एक डस्टबिन रखेंगे जिसमें हम स्वच्छ भारत लिखेंगे, और एक साइड में हम पानी का कैन रखेंगे जिसमें हरा भरा भारत लिखेंगे। डस्टबिन खरीद के रख लिया और पानी मैंने डालना स्टार्ट कर दिया, एक कैन रखा ऑटो में, और हम 2-4 दिन जब पानी लगातार डालने लगे तो भी और सारे ढेर पौधे होते थे, ऐसा लगता था क्या बस 2-4-6 पौधे की ज़रूरत है। तो मैंने वो डस्टबिन रखने के बजाय एक दूसरा कैन 20 लीटर का मैं उसमें और शिफ्ट कर लिया, मैं 2 कैन से एज ए पेड़ों को पानी डालना स्टार्ट किया। और हमने 1 फरवरी को एज अपने हाथ से कागज़ में लिख के कुछ झिराक्स कराए, करीब 100 के आसपास, और हमने वहाँ पे मॉर्निंग वॉक में आने वाले लोगों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमने एक फाइल भी बनाया कागज़ पे लाइनिंग खींच के कि हाँ कुछ लोग हो सकता है शायद उनको अच्छा लगे, तो बोले कि हम 2-4 पौधे को एज हम गोद ले रहे हैं, हम सुबह मॉर्निंग वॉक आएंगे तो हम 1-2 लीटर पानी ला के हम फला फला नंबर के पौधों को हम पानी हम केयर करेंगे, ऐसा हमने सोच के ऐसा फाइल बना के मैं 1 फरवरी के लिए गया, पर्चे बांटे, पर कोई हमारे पास ऐसा एंट्री, किसी ने एंट्री नहीं कराया कि हाँ ठीक है हम आपकी इस काम से सहमत है और हम 2-4 पौधों को हम केयर करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं पानी जब डालना चालू किया, जैसा लोग कमेंट भी करते हैं ना, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं अपने दोस्त के, अपने पास पड़ोस के, एक नहीं दिन उन्हीं से कोई आपको देख के वो दूसरा ये काम को उठा लेगा, वो भी पानी डालेगा, पक्का है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमने अकेले स्टार्ट किया था, मैंने देखा कई बार रोडों पे कार से बाइक से लोग पानी डालते थे, डालने भी लगे थे। एक चीज़, दूसरी चीज़, हम जहाँ पानी डालते थे वहाँ पे कोई और, हमने कई बार देखा कोई और पानी वहाँ पे डाल के जा चुका होता था, तो मिट्टी गीली दिखती थी, हाँ कोई पानी अभी 10-5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले कोई डाल गया, तो कहीं कहीं ये होता कि हमारे काम को लोग पसंद कर रहे हैं, वो काम करना चालू किया।
अपना पानी डालने का काम कंटिन्यू जारी ही था। और 10 मार्च को हम लोग की शादी की सालगिरह थी, तो हमने अपने बच्चों के साथ में और औरत मिसेस के साथ में पहला प्लांटेशन, 2 पौधे हम लोगों ने वहाँ पे लगाए थे मैरिज यूनिवर्सरी के, जो अपने इस जो हमारा संगठन है उसकी स्टार्टिंग वृक्षारोपण से वो 10 मार्च से हमने शुरू किया था 2 पौधे लगा के। पौधे तो बहुत सारे लगते हैं, फॉरेस्ट विभाग, तमाम विभाग, हर विभाग को जिम्मेदारी होती है पर्यावरण पे काम करने के लिए, लगाते हैं लेकिन बचते कितने हैं। लेकिन कुछ खास मौके पर यदि लगाए जाएँ तो शायद ज़्यादा मात्रा में उसको, तब उसका हमारा भी ध्यान खास रहेगा। अपना एक वो है कि हम किसी भी कार्यक्रम अगर शुरुआत के वृक्षारोपण से करें, जैसा लोग किसी चीज़ का ओपनिंग करना होता है फीता काटते हैं, नारियल फोड़ते हैं, लेकिन हम वृक्षारोपण से क्यों ना करें, जिसकी वजह से सबका अस्तित्व है, पहले वो है तब हम हैं। ऑन रोड साइड पे ढेर सारे स्पेस पौधे सूख गए हैं, टूट गए हैं, क्योंकि हम लोग ऑटो रिक्शा चलाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा पेड़ पौधे से रुझान है तो उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है कि किधर रोड पे जगह खाली है जहाँ पौधे लग सकते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइम में ग्रुप के साथ, हमारे 5-6 ऑटो वाले दोस्त थे और उनके बच्चे थे, हमारे बच्चे थे, 14 या 15 अप्रैल को रामनवमी पड़ती थी, तो उस दिन हम लोगों ने पौधे ले गए। और उस दिन सारे लोगों को हमने बोला था कि आप लोग अपने साथ में पानी का कैन, कोई 1 लीटर पानी, कोई 5 लीटर, कोई 10 लीटर, जितने लोग थे सबके लिए मैंने कंपलसरी यही चीज़ किया था, आप लोग अपने साथ में सिर्फ पानी की मात्रा लेके आए हैं, चूँकि अप्रैल मई का महीना था, आने वाले टाइम में बारिश तक तो पेड़ पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत होती थी, तो सारे लोग अपने साथ में पानी लाए थे और सारे लोगों ने वहाँ पे जो पौधे थे पानी डाले। संडे का सबको लेके जाना और फिर अपना रेगुलर पानी डालने का कार्यक्रम चलता था। और उसके बाद हमने 1 मई को बच्चों को ले गए, साथ में पानी का कैन ले गए, और हमने बच्चों को लोगों से बोलिए कि अंकल हम पानी लेके आए हैं पौधों को डालने, पर हम आपके साथ में डालना चाहते हैं, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ हर रोज़ नहीं आ पाएंगे, आज हमारी संडे की छुट्टी, इसके लिए हम आए हैं, बाकी दिन अगर आप रेगुलर आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक में तो आप कम से कम उन पौधों को केयर करें। अब नहीं तो कब करेंगे? पेड़ की रक्षा कौन करेगा? खुली बड़ी जगह पे लगे हुए पौधों को। तो उस दिन फर्स्ट दिन हमको 14 लोग, 7 या 14 लोग मिले थे हमारे पास वो हैं, तो वो लोग उनके साथ में जो तैयार होता था, वो बच्चे उनको लेके साथ में आते थे, उनके साथ में पानी डालते थे ऐसा। तो उस दिन बच्चों के साथ जब ऐसा हमने काम किया तो कहीं कहीं लोगों का रुझान या लोग आना चालू किए। हम लोग सर ऑटो चलाते हैं तो हमेशा देखते केयर करते रहते हैं कि कौन सा किधर जगह का प्लेस खाली है तो कहाँ पे नहीं है, तो हम लोग जैसे प्लांटेशन करते हैं उसका केयर करते हैं, और कहाँ पे क्या पानी का सीजन में पानी की क्या ज़रूरत होती है, कहाँ पे फंटी की ज़रूरत होती है, तो हम लोग हफ्ते वीकली में एक संडे को स्पेशल उसके लिए 3 से 4 घंटे करीब देते हैं। अगर हम किधर सफ़र में भी जा रहे हैं, टूर पे भी जा रहे हैं, तो अपने साथ पीने का पानी 5 लीटर 10 लीटर का हम बिस्लेरी का तमाम अपने तरीके से कूलर वाटर तमाम रखते हैं ना, एक कैन हम 5 लीटर रखें ना, जो हम कहते हैं जो टूरिस्ट बन के कहीं पिकनिक पे कहीं घूमने जाते हैं, वो किसी होटल पे रुके तो 5 लीटर का पानी लेके आजू बाजू में कहीं भी पौधा हो 2 मिनट लगेगा, गाड़ी रोकेंगे पानी डालेंगे। तो हम तो ऐसा ही बोलेंगे टूरिस्ट वालों को, एज पिकनिक पे जाए बच्चों के हाथ से पानी डलाएं, कोई ना कोई दूसरा रोड पे गुजरने वाला जरूर उसके दिमाग में माइंड में आएगा कि ये शख्स यहाँ के तो नहीं है लेकिन इसको यहाँ के पौधे से क्या मतलब है, तो उसको लगे नहीं ये तो हमारे रास्ते का, हम इसी रास्ते से जाते जाते हैं, हमको इस काम को उठाना चाहिए करना चाहिए। हमारी आपकी आधी ज़्यादा लाइफ ख़त्म हो चुकी है और आने वाले बच्चों की लाइफ को देखना है, किसी खास मौके वो भी बच्चों के साथ में प्लांटेशन करें, हमने तो नहीं किया, हमारे बाप दादा ने किए थे, शायद उन्हीं के जो 60-70 साल 100 साल 50 साल पुराने पेड़ पौधे तो उन्हीं के लगाए पौधे, उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया, तो हमने शायद अपने बच्चों के लिए नहीं दिया, अगर हम अपने बच्चों के लिए पौधे लगाए होते तो बोलते कि बेटा आप पानी डालो, तो कम से कम उनके बर्थडे पे सिर्फ बच्चे लोग के बर्थडे वो पौधा वो बच्चे खुद लगाएंगे तो वो आते जाते कम से कम एक एक पत्तियों को बढ़ता हुआ देखेंगे।
अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो ये गो ग्रीन स्कूल के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के बच्चे एक मिसाल बनाएंगे, ऑल वर्ल्ड में बनाएंगे। ये जाना जाएगा कि जो पर्यावरण सरकारी तंत्र या बड़े लोगों में सुधार नहीं आ पाया, वो स्कूल के बच्चों लोगों ने उसको करके दिखाया है, बशर्ते सिर्फ उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। वो रोड पे खड्ढा नहीं कर पाएंगे, वो पौधे नहीं परचेज कर पाएंगे, लेकिन हाँ खड्ढा खाद पौधे अगर अवेलेबल हैं, ग्रीन नेट अवेलेबल है, तो ज़रूर से निश्चित रूप से वो पौधे को वो पानी अपने हिस्से का भी पानी बचा के आने जाने वाले रास्ते पर जो लगाए रहेंगे तो उसको ज़रूर जिंदा बचा के लेके जाएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे हर साल वृक्षारोपण करती है, बहुत सारे पैसे खर्च करती है, और बचा के इतनी मात्रा में पाती है वो सबके सामने ही रहता है। अब तक हम लोगों ने अपने ही एज जो भी खर्च होते थे, पौधे वगैरह तो हमको म्यूनसिपालिटी से मिल जाते थे, और हमने पिछले सत्र में जनवरी से लेके अभी आप समझो कि ये 1 जुलाई से पहले कई बार हमने थाने शहर में लगभग जगह जगह पे करीब 400 के आसपास पौधे लगाए थे, और टी गार्ड के अभाव में 50% भी कम पौधे बचे हैं। क्योंकि हम लोग देखते थे जिधर हम लोग सपोर्टिंग करके चले जाते थे, और जब कभी उधर से गुजरना होता था तो कुछ पौधे को उसके जो बाम्बू के सपोर्टिंग होते वो भी निकल जाते थे, कहीं अच्छे अच्छे बड़े बड़े पौधे की मुंडिया वगैरह टूट जाती, कहीं बच्चों का शरारती स्वभाव के नाते या कुछ आम लोगों के कैसा भी। तो हमको लगा कि हमने पिछले साल बहुत सारे पौधे लगाए और उस मात्रा में हम बचा नहीं पाए, तो इसके लिए अभी हमने 1 जुलाई से लगभग हमने 70 पौधे के आसपास लगा चुके हैं। जो भी सक्षम लोग हैं, जो भी अगर हम जिनको हमारा काम पसंद है, पेड़ जो पर्यावरण से लगाव रखते हैं, वो हमें ग्रीन नेट बाम्बू हैं, पौधे हैं, कंपोस्ट खाद हैं, और कार्यक्रम में हमारे वीकली प्रोग्राम में जो बच्चे हमारी टीम में आते हैं, साथ में आते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको कलम कापी जैसे गिफ्ट दे के उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमने इसकी शुरुआत की और एक आज एक अच्छी एक स्थिति में है, और इसको हम बड़ा करना चाहेंगे, जिससे जगह जगह पे लोग, हम थाने शहर में कर रहे हैं, जगह जगह पे लोग इसकी एक अच्छी शुरुआत हो। और ये सिर्फ एक मिशन जैसा कि एक आदेशानुसार मिशन बन के ना रह जाए, ये 365 दिन चले, हर डे चले, हर सप्ताह चले, हर जगह चले।